चंद्रमा पर चौका लगाने जाएगा चंद्रयान 4। इसरो के नए चांद मिशन को देखकर अमेरिका और चीन के होश उड़े। आखिर ऐसा क्या अलग करेगा अब की बार अपने चंद्रयान 4, जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, चंद्रयान 4 स्पेस में ऐसा कारनामा करेगा जो अभी तक दुनिया के किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने नहीं किया है। वैसे इस कारनामे के ऊपर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि ऐसा कारनामा करने से चंद्रयान 4 का रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये मिशन काफी खतरनाक होगा। वैसे इसरो के हौसले बुलंद है, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले साल एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो किसी ने किया था वो इसरो ने करके दिखाया था। हम सभी जानते हैं चंद्रयान 3 ने पूरे विश्व भर में काफी सुर्खियां बटोरी थी, और अब कुछ ऐसा ही करेगा हमारा नया मिशन चंद्रयान 4। तो आखिर ऐसा क्या करेगा चंद्रयान 4, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इसरो के नए मिशन चंद्रयान 4 ने दुनिया के सभी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 4 का वजन ज्यादा है। उन्होंने बताया कि चंद्रयानम 3 के बदले चंद्रयान 4 में कई एडवांस उपकरण लगाए गए हैं, जिससे वो चंद्रमा के राज और भी आसानी से खोल पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा के रहस्यों की गुत्थी अगर भारतीय वैज्ञानिक खोलेंगे तो ये आखिर कितनी बड़ी बात होगी। यही नहीं, चंद्रयान 4 कई एडवांस सिस्टम से लैस है जो इसके काम करने में भी मदद करेंगे। आपको बता दें, चंद्रयान 4 को इसरो के सबसे बड़े रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसका वजन और वॉल्यूम अधिक होने की वजह से इसे रॉकेट दो बार अलग अलग करके लॉन्च करेगा, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। और अगर मैं आपको और आसान शब्दों में बताऊं तो इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 4 को दो अलग अलग हिस्सों में तैयार कर रहे हैं, जिनको दो अलग अलग रॉकेट के जरिए एक ही समय पर स्पेस में छोड़ा जाएगा। इन दोनों रॉकेट का काम होगा इन दोनों हिस्सों को पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ना। इसके बाद चंद्रयान 4 के ये दोनों हिस्से पृथ्वी से चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा के लिए निकल जाएगा। और यही नहीं, यात्रा के बीच ही ये दोनों चंद्रयान 4 के हिस्से आपस में अंतरिक्ष के संगम में मेल खाकर एक हो जाएंगे, यानी ये स्पेस में एक दूसरे से मिलकर मात्र एक चंद्रयान 4 में बदल जाएंगे। ये बात जो हमने आपको बताई है, ये कहने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये काम बहुत कठिनाइयों से भरा होगा। लेकिन इन कठिनाइयों से काफी ऊंचा है इसरो के सभी वैज्ञानिकों का हौसला, जो इस काम को उनके लिए काफी आसान बनाता है। आपको बता दें, स्पेस में ये सारी प्रोसेस हजारों किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं चंद्रयान 4 के हिस्सों के बीच ऑटोमेटिक होगी। ये दोनों हिस्से एक जाइंट के थ्रू एक हो जाएंगे। आपको बता दें, अंतरिक्ष में होने वाली इस प्रोसेस को डॉकिंग कहा जाता है, लेकिन वैसे तो ऐसे कई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में जाते हैं और इनकी डॉकिंग कराई जाती है जिससे यात्री स्पेस स्टेशन में जा सके। लेकिन ऐसा पहली बार होगा अब किसी स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े को अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रोसेस से गुजरा जाएगा। आपको बता दें, ये काम तो अभी तक सक्षम स्पेस एजेंसी भी नहीं कर पाई है, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश आते हैं। लेकिन ये कारनामा करके भारत एक और इतिहास रच देगा। यही तकनीक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 4 की सारी प्लानिंग हो चुकी है। उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, इसके बाद कैसे उसे स्पेस में जोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। कई लॉन्चिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके। इसरो चीफ ने कहा कि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। यह काम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। हम अपनी इस तकनीक को डेवलप कर रहे हैं। डॉकिंग तकनीक के प्रदर्शन के लिए इसरो इस साल के अंत तक SPADEX मिशन भेजेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 4 का रिव्यू, लागत, डिटेल स्टडी हो चुकी है, सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा है। यह सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। इसरो इस प्रयास में है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS बना ले, 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेज सके, वह भी अपनी तकनीक और क्षमता से। इसरो अपने कामों से पूरे देश का नाम रोशन करते आया है, चाहे वो चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग ही क्यों ना हो। उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि भारत जल्द ही चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका हौसला कितना बुलंद है। तो दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों के हौसले के लिए एक लाइक तो बनता है। साल 2023 इसरो के लिए ऐतिहासिक रहा है। इसरो ने सफलता के नया कीर्तिमान स्थापित किए, जो एक चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 3 ने कई सारे चंद्रमा के राज को उजागर किया है, चाहे वो तापमान के हाई लेवल से लेकर लो लेवल जाने का हो या फिर कई पदार्थों की खोज करना हो।
चंद्रयान 3 की कई अपार सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 भी जल्द अपने काम पर लाएगा। अभी उसके कई परीक्षण तो किसी उपकरण को बनाने पर इसरो काम कर रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ये भी बताया है कि ये मिशन काफी चैलेंजिंग होगा, लेकिन इसरो इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 के किस पार्ट को कब लॉन्च करना है, कितने हिस्सों में लॉन्च करना है, किस रॉकेट से लॉन्च करना है और चंद्रमा पर चंद्रयान 4 की लैंडिंग कैसे करनी है, इन सारी चीजों की तैयारी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर डॉकिंग प्रोसेस के दौरान अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो ये हम काफी भारी पड़ सकती है। एक छोटी सी गलती हजारों किलोमीटर की गति से चल रहे हैं चंद्रयान 4 के हिस्सों में होगी, और अगर वो आपस में टकरा गए तो पल भर में वो स्पेस में तबाह के मंजर में बदल सकते हैं। इसलिए हमें कोई गलती की गुंजाइश की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी इसरो चंद्रयान 4 पर काफी एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन इस बीच आप सोच रहे हो कि आखिर उसकी स्पीड कम ही क्यों ना कर दे, जिससे गलती की गुंजाइश न बचे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर स्पेस में गति को बार बार कम करा जाता है तो उसकी गति बढ़ाने काफी ज्यादा ईंधन खा सकता है। इसलिए इसकी गति को भी बार बार कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। अब हम आपको चंद्रमा पर चंद्रयान 4 की लैंडिंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसकी लैंडिंग चंद्रयान 3 की तरह ही होगी, लेकिन इसमें एक पावरफुल रोबोटिक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ये चंद्रमा पर गड्ढा खोदेगा और वहां से मिट्टी लेकर विक्रम लैंडर वापस टेक ऑफ करेगा और चंद्रमा के ऑर्बिट में आकर एक बार फिर परपसल यूनिट के साथ डॉकिंग करके पृथ्वी की ओर बढ़ जाएगा, और कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये वापस पृथ्वी पर सैंपल लेकर लौटेगा। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा प्रक्रिया होगी। आपको बता दे, चंद्रयान 4 का एक पावरफुल लैंडर वहां पर मौजूद रहकर चंद्रमा के जमीनी रहस्य भी खोलेगा। दोस्तों, ये मिशन काफी रोमांच से भरा हुआ होगा, और हमें उम्मीद है इसरो हर बार की तरह इस बार भी अपने मिशन में कामयाब होगा। तो दोस्तों, इस पूरे मिशन की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी और वीडियोस देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।